सो हे गाइस, दोस्तों मैं अभिषेक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग यार इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियड यानी आईईओ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे जो आपका एसओएफ यानी साइंस ओलंपियड फाउंडेशन कंडक्ट करवाती है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यार सारे के सारे चीजें डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है, कट ऑफ कितना जाता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन से हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यार बात कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट आईईओ यानी इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियड में क्यों अटेम्प्ट करें, क्यों इस एग्जामिनेशन में आपको बैठना चाहिए। तो देखो यार, आईईओ दूसरे ओलंपियड एग्जामिनेशन की तरह, जैसे कि आपका एनएसओ हो जाता है, आईएमओ हो जाता है, उन सभी ओलंपियड एग्जामिनेशन की तरह ही आपके फाउंडेशन लेवल की प्रिपरेशन को जज करने का एक अच्छा खासा तरीका है। आईईओ स्पेसिफिकली आपकी इंग्लिश के परफॉर्मेंस को जज करता है, आपकी इंग्लिश कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी डेप्थ रूट कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो आईईओ एग्जामिनेशन के थ्रू आपको पता चलता है कि यार आपने कितनी प्रिपरेशन कर रखी है इंग्लिश के फील्ड में, आपकी इंग्लिश की ग्रामर कितनी स्ट्रांग है, रीडिंग सेक्शन कितना अच्छा स्ट्रांग है, स्पोकन इंग्लिश कितना अच्छा स्ट्रांग है। इन सभी चीजों को आप अच्छे खासे तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो अगर आप इंग्लिश के फील्ड में अपना परफॉर्मेंस या जज करना चाहते हो, अपने आप को जज करना चाहते हो कि आपने कितनी रूट में अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, डेप्थ आपकी कितनी है, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग है कि नहीं है, ग्रामर का पोर्शन आपने कितने अच्छे से कवर कर रखा है, इंग्लिश में अगर आपका अच्छे खासे तरीके से इंटरेस्ट है, इंग्लिश में कुछ खास आप परफॉर्म कर सकते हो, तो आईईओ एग्जामिनेशन को यार आपको जरूर देना चाहिए। इस एग्जामिनेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट यार इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकता है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बोर्ड को बिलोंग करते हो, चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीसी से हो, स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो, अगर आपका स्कूल एसओएफ ओलंपियड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है तो आप आईईओ का एग्जामिनेशन दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आईईओ का एग्जामिनेशन बेसिकली यार क्लास वाइज कंडक्ट करवाया जाता है। कहने का मतलब है हर क्लास का सेपरेट क्वेश्चन पेपर होने वाला है यार, यानी क्लास 1 का सेपरेट क्वेश्चन है, क्लास 2 का सेपरेट क्वेश्चन है, यहाँ पर हर एक क्लास का डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, दूसरे नेशनल लेवल के ओलंपियड एग्जामिनेशन की तरह यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन पेपर यार नहीं होने वाला, यहाँ पर हर एक क्लास का सेपरेट कॉम्पिटिशन है। कहने का मतलब है हर एक क्लास के बच्चों का अपने ही क्लास के बच्चों के साथ यार कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पर यार कॉम्पिटिशन क्लियर कट होने वाला है, आप अपने सीनियर या फिर जूनियर के साथ कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं करने वाले, अपने ही क्लास के बच्चों के साथ कॉम्पीट करोगे। आईईओ का एग्जामिनेशन बेसिकली दो स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है, स्टेज 1 आपका स्कूल लेवल पे होता है और स्टेज 2 आपका जोनल लेवल पे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यार स्टेज 1 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, स्टेज 2 के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर हम लोग स्टेज 1 के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के बच्चे और दूसरे कैटेगरी में क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे। तो इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है, दोनों का एग्जाम पैटर्न अलग है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले सेक्शन में भी तीन अलग अलग टॉपिक्स में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, दूसरा टॉपिक आपका रीडिंग सेक्शन, थर्ड टॉपिक आपका स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। इन तीनों टॉपिक को मिलाकर के यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो कुल मिलाकर के आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम लोग सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 यहाँ पर आपका अचीवर सेक्शन का होता है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो अचीवर सेक्शन में कुल मिलाकर के आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फुल मार्क यार आपको 40 मार्क्स का बनता है। अगर हम लोग क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कुल मिलाकर के दो सेक्शन में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। सबसे पहले सेक्शन में आपको कुल मिलाकर के 3 सब टॉपिक्स हैं यार। सबसे पहला सब टॉपिक है आपका वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, दूसरा सब टॉपिक है आपका रीडिंग सेक्शन और थर्ड टॉपिक है आपका स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो 45 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। सेक्शन बी आपका अचीवर सेक्शन का होता है यार, यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो कुल मिलाकर के आपको 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फुल मार्क यार आपका 60 मार्क्स का बनता है। सो होप आपको एग्जाम पैटर्न यार अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया होगा। हर एक बच्चे के लिए यार एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है, उसी के बेसिस पर आप लोग अपनी तैयारियां कर सकते हो। एग्जाम यार आपका कुल मिलाकर के 1 आवर का होने वाला है, यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के हर एक स्टूडेंट का एग्जाम यार 1 आवर का ही होने वाला है। मार्किंग स्कीम में एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर यार कोई भी नेगेटिव मार्किंग यार नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। तो अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो क्लास वाइज कट ऑफ यार निकलता है। तो अभी आपको स्क्रीन पर यार प्रीवियस कट ऑफ यार दिख रहा होगा, आप वीडियो पॉज करके इन सभी चीजों को देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इन सभी चीजों को डाउनलोड भी कर सकते हो यार, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से जाकर के इन सभी चीजों को डाउनलोड भी कर सकते हो। कट ऑफ देख करके आपको अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आप लेवल 2 में जाना चाहते हो, लेवल 2 में अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हो, तो आपको अच्छे खासे तरीके से प्रिपरेशन करनी जरूरी है। आप क्लास वाइज अपना कट ऑफ देख करके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर आपको आईईओ एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर सकते हो।
सकते हो। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस को समझना भी जरूरी है, पर यार हर क्लास की सिलेबस यार डिफरेंट होती है। हर एक क्लास के सिलेबस को डिस्कस करने चले तो यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा है, आप उस लिंक पर जाकर के आराम से चेक कर सकते हो यार आपके क्लास के सिलेबस में कौन सी चीजें गिवन है, किस चीजों को आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में गिवन है। तो पर्टिकुलरली उस आर्टिकल को जाकर के आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। सिलेबस को समझना भी जरूरी है, एग्जाम पैटर्न को समझना भी जरूरी है। इन दोनों के हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर के फोकस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर पेपर फोकस किसके ऊपर कर रहा है, किन चीजों पर वो ज्यादा फोकस कर रहा है। इस पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रामर सेक्शन, आपका ग्रामर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर लिटरेचर के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछने वाले यार। आप कौन से स्कूल को बिलोंग करते हो, आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिटरेचर से कोई भी क्वेश्चन यार नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ग्रामर और रीडिंग सेक्शन, इन दोनों सेक्शन पर ही यार बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो ध्यान रखना यार, आपको इन दोनों सेक्शन पर ही ज्यादा फोकस करना है, ग्रामर पे और रीडिंग सेक्शन पे। सबसे पहले हम लोग यार वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली वर्ड नॉलेज यानी वोकैबुलरी की टेस्टिंग करवाई जाएगी। यहाँ पर आपके सिनोनिम्स आ जाते हैं, एंटोनिम्स आ जाते हैं, वर्ब फॉर्म्स आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाते हैं, इडियम्स आ जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेट पूछे जाएंगे। हर एक ग्रामर के पोर्शन को यार आपको टच करना जरूरी है। सिलेबस को जाकर के जरूर देखो यार आपके पर्टिकुलर सिलेबस में कौन सी सारी चीजें हैं, अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना जरूरी है। इन सभी चीजों को अच्छे खासे तरीके से कवर करना जरूरी है। बेसिकली इस सेक्शन में आपको ग्रामर पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, खास करके वर्ब फॉर्म्स पे, प्रोनाउंस पे, एडजेक्टिव पे, इन सभी चीजों पर आपको क्वेश्चन सेट पूछे जाएंगे। जिस तरीके से आप अपने स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, जिस तरीके से ग्रामर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जंबल सेंटेंसेस पूछ लेते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ लेते हैं, एडिटिंग ओमिशंस, इन सभी चीजों पर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, उसी तरीके से सिमिलरली यार यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस सेक्शन में आपको ग्रामर पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। दूसरा सेक्शन है रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन में आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना रहेगा, क्वेश्चंस गिवन रहेंगे, क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। सारे के सारे क्वेश्चन सर एमसीक्यू है, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन नहीं है, पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू है, इस चीज को ध्यान देना जरूरी है। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। आपको क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यार एक क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, एक क्वेश्चन आपको नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो रीडिंग सेक्शन में बेसिकली आपका एक अनसीन मैसेज आएगा, अनसीन मैसेज में कुछ भी हो सकता है, एक कॉन्वर्सेशन हो सकता है, एडिटोरियल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सही तरीके से अनसीन मैसेज को समझना जरूरी है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन पर भी जंप कर सकते हो, अगर आप कन्वीनियंट नहीं हो पा रहे हो तो आपको अनसीन मैसेज पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं करूंगा कि आप पहले से तैयारी करके रखो यार, नंबर ऑफ अनसीन पैसेज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नंबर ऑफ किताबों में आपको मिल जाएंगे यार, वहां पर आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। थर्ड सेक्शन है आपका स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन का होता है। ये सेक्शन बेसिकली आपके जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, एक जनरल कॉन्वर्सेशन के अंदर आप किस तरीके से कॉन्वर्सेशन करते हो, कॉन्वर्सेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इस तरीके से कॉन्वर्सेशन को पढ़ के आपको आंसर यार देना पड़ता है। ऑप्शन सारे के सारे गिवन होते हैं यार, आपको अपने दिमाग को यूज करना है यार, हर एक ऑप्शन आपको सही लगने वाला है। ऑप्शन ए भी यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है, तो आंसर यहाँ पर कौन सा होने वाला है। खास करके इस चीज का ध्यान रखना कि कॉन्वर्सेशन में आपके पॉजिटिव रिस्पांस होने जरूरी है। हर एक कॉन्वर्सेशन को सही तरीके से एनालाइज करके आप ऑप्शन यार चूज कर सकते हो। ज्यादा डिफिकल्ट यार होता नहीं है, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस चीज को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अचीवर सेक्शन बेसिकली थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। मेरा सजेशन यही होगा कि यार सबसे पहले आप अचीवर सेक्शन पे जंप करो। अचीवर सेक्शन पे सबसे पहले जंप करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ पर आप अच्छे खासे तरीके से समय दो, 5 क्वेश्चन सर आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि यार यहाँ पर वेटेज ज्यादा होता है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज आइदर 2 मार्क्स होता है, 3 मार्क्स होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छे खासे तरीके से अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन आप बना सकते हो। एक बार आपने अचीवर सेक्शन को निपटा लिया, उसके बाद वापस आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। क्वेश्चन आपको आए न आए, अच्छे खासे तरीके से उन 5 क्वेश्चन को खत्म करो। क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा आपको टाइम लग सकता है, इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको टाइम मैनेजमेंट भी सही तरीके से करना जरूरी है। ओलंपियड एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट की, तो आपको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा आपको इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना है, ज्यादा आप डेप्थ में घुस जाते हो, आप सोचने लग जाते हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहां पर आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम का ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटा मिलने वाला है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सही तरीके से आपको 1 घंटे के अंदर एनालाइज करते हुए अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट करना है। ओएमआर शीट में आपको मार्क करना है। ऑफलाइन पेपर है तो यहाँ पर आपको ओएमआर शीट को भी टाइम देना पड़ेगा, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप जाता है आपके वोकैबुलरी। आपके वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी जरूरी है, जिसके लिए कोई भी पर्टिकुलर किताब नहीं होती है। आप जितनी ज्यादा किताबें पढ़ते हो और जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नंबर ऑफ रेफरेंस बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ग्रामर सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एवरग्रीन की बुक आ जाती है, ऑल इन वन की बुक आ जाती है, इन सभी किताबों पर आप जा सकते हो।
ग्रामर सेक्शन आपका यहाँ से जरूर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग या कर सकते हो। अगर हम लोग रीडिंग सेक्शन की बात करें, सिमिलरली नंबर ऑफ रेफरेंस बुक में आपको अनसीन पैसेजेस मिल जाएंगे। डिफरेंट अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हो, कोई लॉन्ग हो सकता है, कोई शॉर्ट हो सकता है, लेकिन अनसीन पैसेज को सॉल्व करना जरूरी है। अपने लेवल के क्वेश्चन पेपर या सॉल्व करो, अपने लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व करो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करना कि यार क्लास सेवन का बच्चा क्लास टेंथ के क्वेश्चन पेपर या सॉल्व कर रहा है, क्लास टेंथ के अनसीन पैसेज सॉल्व कर रहा है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और आपका मोरल डाउन हो सकता है। तो अपने क्लास के अपने लेवल के क्वेश्चन पेपर या सॉल्व करो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका होता है एमटीजी का वर्कबुक। एमटीजी का वर्कबुक आपको जरूर करके जाना है। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गिवन होता है, इन सभी चीजों को आपको अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट करना है। इस किताब से आपके बहुत अच्छी खासी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इन सभी तरीकों से आप अपनी आईईओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। तो इस तरीके से यार हमने हर एक चीज को डिटेल में डिस्कशन कर लिया। आईईओ एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस कैसा है, कट ऑफ कितना जाता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हर एक चीज को लेकर हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लिया। लेकिन अगर आपका फिर भी किसी टॉपिक में कुछ डाउट रह गया हो, तो अभी आपको स्क्रीन पर एक ईमेल दिख रहा होगा, उस ईमेल पर आप अपना डाउट भेज सकते हो, मैं उसे रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। तो चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।